हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू येट अनदर ब्लॉग ऑफ माय द K805 राइडर। तो ये हमारा आज का संडे का प्लान है, द सेकेंड ट्रिप जो होने वाली है। तो ये हमारा प्लेस रहने वाला है मुठाती, जो कि कर्नाटका में ही है और बेंगलोर से नियरली 100 किलोमीटर्स का जर्नी रहेगा। तो हम यहाँ पे रेडी हैं हमारी ट्रिप में जाने के लिए। हम बहुत टाइम पे पहले पहुंच गए थे, बट हमारे मुकेश भाई अभी पहुंच रहे हैं। लेट लतीफ, बहुत लेट है। वो स्टार्ट कीजिए। चाय पीना स्टार्ट हो गया मुकेश जी का और हमारी चाय आ गई है। अब चाय पियेंगे, फिर अपने मंजिल की ओर निकल चलेंगे। हाय गाइस, तो अभी हम लोग कावेरी रिजर्व फॉरेस्ट में आ चुके हैं। एक बहुत अच्छा नज़ारा है, आप देख सकते हैं। व्लॉग 25 गौरव भाई एंड मुकेश भाई। हमारी राइड इस बार अगर देखें तो मेरी कॉन्टिनेंटल GT650 एंड एक्सोर की जोकर वर्सन, हमारे गौरव भैया की MT15 एंड बात करें मुकेश भाई की BMW। जब हम कावेरी रिजर्व फॉरेस्ट से गुजर रहे थे तो बीच में हमने रुक के देखा, ये बहुत एक अच्छा नज़ारा दिख रहा है। ये कावेरी रिवर है और ये हमारी रूट है, बहुत ही अच्छी फाइन रूट है। तो गाइज, हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे मुठाती। तो हमारे सामने कावेरी रिवर है, आप देख सकते हैं। बट अगर हम जैसा हमारा प्लान था उस हिसाब से अगर बात करें तो कुछ डिसअपॉइंटमेंट ही हुई है। गौरव भाई, कौन सा स्पॉट जा रहे हैं हम लोग अगले? पता नहीं, अभी तो यहाँ से बाहर जा रहे हैं। मंदिर देखने आओ, ठीक है, लेकिन वहीं से वापस चले जाओ। नीचे मत आना, बहुत गंदा एरिया है। अगर आपको हेल्थ इश्यूज है या उसी हिसाब से तो बिल्कुल मत आना, और पानी में हाथ पैर तो बिल्कुल मत धोना, एलर्जी भी हो सकती है। तो ओवरऑल बात यह है कि पानी बहुत गंदा है, लोग यहीं पे नहा रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, खाना पका रहे हैं, बहुत ही कचरा फैलाया हुआ है पूरा प्लेस में। और सबसे ज़रूरी बात, यहाँ पे आपका नेटवर्क काम नहीं करेगा, UPI तो वर्क करेगा ही नहीं। तो आपको यहाँ पे अगर आना है खाने के लिए या पार्किंग के लिए तो आपको कैश चाहिए। पार्किंग के लिए वैसे मोटर व्हीकल के लिए, मोटरसाइकिल के लिए आपको 10 रुपीज़ पर मोटरसाइकिल लगेगा। और खाने की बात करें तो एज यूजल थोड़ा तो महंगा रहेगा क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है। बट अगर आप देखेंगे कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो अच्छा था। वहाँ का जो 15 किलोमीटर का स्ट्रेच जो था वो आपको मज़ा आने वाला है। और अगर ऊपर से आप कावेरी देखेंगे तो अच्छा लगेगा, बट यहाँ पे आके अंदर वो मज़ा नहीं आया जो हमने एक्सपेक्ट किया था। वैसे यहाँ से शिवना समुद्रम भी पास है, तो मे भी हम प्लान कर सकते हैं वहाँ जाने का। तो यहाँ पे एक टेम्पल है, मुठाती टेम्पल, आई थिंक वो स्पॉट मे भी अच्छा लग सकता है आप लोगों को। तो हमने भी देखा नहीं है, अभी जाते हैं देखते हैं। वैसे यहाँ का पार्किंग एरिया है, लोग अभी न्यू ईयर के लिए पिकनिक प्लान भी कर रहे हैं। तो गाइज़, हम जैसे कि वहाँ से ऑलरेडी निकल चुके थे,
कि मैंने जैसे बताया कि जगह अच्छा नहीं लगा, मज़ा नहीं आ रहा था जगह में, तो हमने प्लान अभी कर ही रहे थे, वहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता, तो आज सोचे कि बाहर हाईवे पे निकल के मैप में देखेंगे कहाँ कितना डिस्टेंस है, कौन सा स्पॉट है। बट यहाँ पे कावेरी नेचुरल कैंप क्रॉस करते ही हमें एक स्पॉट मिला, हम वहाँ से अंदर आए तो आप देख सकते हैं ये स्पॉट जो था बिल्कुल ही अलग है, ये रियली वो प्लेस है जो हम खोज रहे थे, आप खुद देख सकते हैं। तो हम लंच के लिए अभी रुक गए हैं, शिव समुद्रम के थोड़ा पहले एक होटल है, देख सकते हैं आप पीछे। तो यहाँ पे अच्छा खाना ये दे रहे हैं, कुसका कबाब या पराठा वगैरह खा सकते हैं। और ये रहा ये होटल, तो अभी हम खाने के लिए रुके हुए हैं, शिव समुद्रम हमारी डेस्टिनेशन बन गई। तो हमारे गौरव भैया और मुकेश जी पराठा और दाल खाते हुए, और हमारी आई है कुसका एंड कबाब। तो अभी हम शिव समुद्रम फॉल्स निकलेंगे, वहाँ का सीन आपको दिखाते हैं फिर। तो हम पहुंच चुके हैं शिव समुद्रम फॉल्स, अभी दिखाएंगे नज़ारा आपको। ये काफ़ी अच्छा जगह है, अभी अच्छा जगह दिखने वाला है, अभी जस्ट दिखाते हैं आपको सीन यहाँ का, मज़ा आ जाएगा। तो ये था व्यू शिव समुद्रम फॉल्स का। तो वैसे मुथाती से 38 किलोमीटर पड़ता है शिव समुद्रम,